फिलहाल तो जो अनुमान आ रहे हैं, मुझे पता है सर एग्जिट पोल है, अनुमान है, लेकिन ये संकेत अखिलेश के लिए खतरनाक दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की ही तरह लहर दिख रही है बीजेपी अगर यही नतीजों में तब्दील होता है। अनुराग जी, पहले बता दिया चूंकि एग्जिट पोल है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी 300 प्लस सीटें जीत रही है, 71 से 101 सीटें। मेरी बात ही नहीं समझ आया, मैं कह रहा हूं अरे मेरी बात तो आप तो ये अनुमान आपका है, दूसरा चैनल कोई 160 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, आप 101 दे रही, तो आप बताइए किसकी बात मान ली जाए, आपकी मान लें या मैं दूसरे जो चैनल दे रहे हैं उनकी मान लूं। भाई ये गुमराह करने वाला एग्जिट पोल है, समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटें जीत रही है, मुख्यमंत्री जी भी अपनी सीट बचाते हुए घूमते नजर आ रहे हैं कि उनकी सीट बच जाए, उप मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी हारे हुए डिक्लेयर हो चुके हैं, इनके यहाँ करेल में जो लड़ रहे हैं, इनके यहाँ करेल में जो मंत्री लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं जमानत बचा के दिखा दूंगा, हमारे जो वहाँ पे गोरखपुर में लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं योगी जी को हरा के दिखा दूंगा, तो फर्क देखिए ना, हम हराने के लिए लड़ रहे हैं, वो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। नमस्कार दोस्तों, यूपी में चुनाव का आखिरी चरण 7 मार्च को खत्म हो गया है और सारी पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। यूपी में टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, अलग अलग टीवी चैनल पर एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर बीजेपी को ही गवर्नमेंट की वापस आते देख रहे हैं, मगर इस टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया जी को अभी भी लग रहा है कि यूपी उत्तर में समाजवादी पार्टी के चांस बने हुए हैं, मगर अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो भदौरिया जी का दिमाग भी बीजेपी को ही वापस आते हुए देख रहा होगा। खैर, उन्हें डीवी डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष तो रखना ही पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है 10 मार्च को वापस बीजेपी आएगी या फिर बड़ा उलटफेर होगा, कमेंट करके बताइए। देखिए, आपने पहले बता दिया चूंकि एग्जिट पोल है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी 300 प्लस सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि इनके एक मंत्री है जो करेल से लड़ रहे हैं, अभी एक चैनल में मेरे साथ थे, पता है मुझसे क्या कह रहे थे, कह रहे थे अनुराग जी मैं अपनी जमानत बचा लूंगा, बताइए जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जब केंद्रीय मंत्री इनकी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो सोच लो इनकी सीटें कैसे आ जाएंगी, आप बता दीजिए। चुनावी मैदान में है 71 से 101 सीटें, बात ही नहीं समझ आया, मैं कह रहा हूं अरे मेरी बात तो आप तो ये अनुमान आपका है, दूसरा चैनल कोई 160 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, आप 101 दे रही, तो आप बताइए किसकी बात मान ली जाए, आपकी मान लें या मैं दूसरे जो चैनल दे रहे हैं उनकी मान लूं। भाई हर चैनल अलग अलग तरीके से दे रहे हैं ना, आपने अलग तरीके से दिया, आप बताइए आपके में दूसरे चैनल में तो कम से कम 100 सीट का अंतर हो गया, तो आप किसकी बात मान लीजिए, आपका अनुमान क्या कहता है, ये गुमराह करने वाला, अरे सुन तो लीजिए, तो मैं बोल तो रहा हूँ ये गुमराह करने वाला एग्जिट पोल है, समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटें जीत रही है, मुख्यमंत्री जी भी अपनी सीट बचाते हुए घूमते तो कैसे काम चलेगा, इनके यहाँ करेल में जो लड़ रहे हैं, इनके यहाँ करेल में जो मंत्री लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं जमानत बचा के दिखा दूंगा, हमारे जो वहाँ पे गोरखपुर में लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं योगी जी को हरा के दिखा दूंगा, तो फर्क देखिए ना, हम हराने के लिए लड़ रहे हैं, वो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है, क्या कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, सीट वाइज हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मामला, अरे वो खुद कह रहे हैं ये मेरे तमाम जो एग्जिट पोल से वो इशारा कर रहे हैं, और संजय जी की भी आई है, एक बार संजय जी से, अरे बाबा एक सेकंड, संजय जी नहीं अंजना जी, हम सारे एग्जिट पोल तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ जो आकलन हो रहा है, मैंने नहीं अभी इंडिया टुडे पे या आज तक पे जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, और कई एग्जिट पोल हैं इसके पहले भी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, सब एक ही ओर संकेत कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी आगे है, सिर्फ अंतर इतना है अंजना जी कि कुछ एग्जिट पोल बड़ी जीत दिखा रहे हैं जो आज तक का एग्जिट पोल है, कुछ ओपिनियन पोल एग्जिट पोल शायद कुछ छोटी जीत दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे है, बढ़त बनाए हुए है और इतनी बढ़त है कि अपने दम पर सफलतापूर्वक सरकार बना लेगी। पांच राज्यों के नतीजे अगर प्रभु जी देखें तो क्या ये साफ इशारा कर रहे हैं कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ हम कई राज्यों में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पंजाब में कांग्रेस को अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली आकर वाकई हटा देती है सत्ता से तो एक बड़ा संकेत है, लेकिन 4 राज्यों में से 3 पर अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी दिख रही है, और यूपी में रिकॉर्ड तोड़ना, ऐसी लहर दोबारा करना, ये चौथी बार, मतलब एंटी इनकम्बेंसी आप देखें तो 2014 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और फिर 2022 का यहां पर विधानसभा है, प्रभु जी 2024 के लिए क्या संकेत देता है? अंजना जी आप 24 की बात में बात करूँ, अंजना जी आपकी बात ये ठीक है कि जनता जो है आजकल पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं कह रहा कि हिंदू और मुसलमान जा रही है, वो चाहते हैं कि 2 पार्टियां होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए,
जैसे एकदम जा रहा है हर तरफ देखेंगे आप, गोवा में भी देखें वहां बीजेपी थोड़ी पीछे है कांग्रेस के मुकाबले में, पर बाकी पार्टियां बहुत पीछे हैं। बीएसपी का यूपी के अंदर सफाया होना और कांग्रेस का बिल्कुल आशिए पे आ जाना, तो लोगों को लगता है कि टू पार्टी सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती ही, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी होनी चाहिए। 2019-17 के अंदर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं थी, 40-42 सीटों पर निपट गई थी, पर यूपी के बाकी पंजाब के अंदर से आपका आना अपने आप में, जैसे दिल्ली में हुआ था उन्हें सब पार्टियों का सफाया कर दिया था, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलेगी थी, बीजेपी को पहले 3 मिली फिर 6 मिली या फिर 9 मिली। तो मेरे को लगता है पोलराइजेशन, पोलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं, जिनकी इमेज बन जाती है, जैसे केजरीवाल एक नेता बन गए, लोग वहां पर केजरीवाल को चांस दे रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी जो हैं अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गई है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी तो है ही, पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी मोदी जी बन गए, और योगी जी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी बन गए हैं। योगी जी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं। तो जो उनका कहना था कि 80% और 20% के बीच चुनाव होगा, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूपी के 80% लोग जो हैं, उनके 80% वोट ही योगी जी और उनके जो 20%। अगर हम 2014 से लेकर अब तक की स्थिति को देखें, अब इसके पहले भी चाहे 2007 में मायावती की सरकार बनी हो, अभी बीजेपी अभी जितना वोट पाती हुई दिखाई दे रही है, जितनी सीटें 2007 में बहन जी की सरकार उतने बड़े मैंडेट के साथ नहीं आई थी, 2012 की बात करें तो 224 सीटों के साथ अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 14 के बाद ऐसा लग रहा है कि यूपी पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चला गया है। तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या आप कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ऐसा चेहरा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और उसी नारे के साथ बीजेपी के लिए बार बार 14 हो 17 हो 19 हो 22 हो हर बार वो काम कर रहा है। चित्रा जी, आप देखें कि यूपी की स्थिति बाकियों से अलग है, और धामी जी वहां पर आए हैं कि ये नहीं कि धामी जी की वजह से वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी जीती है, वहां पर मोदी मैं उत्तराखंड हो गया। अगर एग्जिट को लेकर के चलते हैं, मैं आंकड़ों की बातें कर रहा हूं, कि धामी एक शरीफ आदमी है, उनकी इमेज अच्छी थी, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर नहीं थी, तो इस चुनाव के अंदर प्रो इनकम्बेंसी, जो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि प्रो इनकम्बेंसी वोट चल रहा है यहां पर, लोग इस सरकार को दोबारा से लाना चाहते हैं। गोवा के अंदर प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, लोग डिफेक्टर्स के आ गए, काफी लोग चले गए, परंतु अगर बड़ी पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं, ये 1985 के बाद पहली बार जो हो रहा है यूपी के अंदर, लगभग 22 और 15 साल 37 साल के बाद एक सरकार रिपीट होकर के आने जा रही है, जो आपका एग्जिट पोल बता रहा है, परंतु पर्सनैलिटी ड्रिवन जो इलेक्शन होता चला जा रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि लोगों को राशन मिला, सब चीजें मिली, वो अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर पहले से बहुत बेहतर है, कोई दो मत नहीं।